सिलसिला चला छना पाया कि वो आकसन के असा की वापस पलटाया जाए दसा हूँ हो गया अपने दुनिया ने अंदर वकालू झूठे न वकालू और काल का क्या मतलब है उसने कहा वालह उन्होंने हूँ क्या आखने पे दुनिया के अंदर अच्छा तो आकसर में वापस भेजो तो अस नेक हो जासा दिए कालू इन इन तू बाद आ गया इल्ला लिहाजा इनका मतलब क्या है नाफिया हो गया नफी करना है नहीं इन नहीं है ठीक है क्या मतलब है वो मुअन्नस हुआ कैसे आखिर में वो मुज़क्कर की गायब जो ना उसकी आखिर किस गायब की गल करनी जो बंदा या जी चीज़ उसे मौजूद नहीं उसने बारे की गल करनी या वो या ये तो नहीं वैसे वो ही होना लेकिन ये भी इस्तेमाल हो सकना क्योंकि किसी ने बारे की गल पड़ दी इन हिया नहीं है इल्ला सिवाय या मगर हयातुना हयातुना हयात का क्या मतलब है जी जिंदगी ना हमारी हयात ना हमारी जिंदगी और कहते हैं उन्होंने कहा नहीं है ये सिवाय मगर हमारी जिंदगी कड़ी हयात ना दुनिया ये ना आ गया ना बिच असल सी हयात दुनिया लाभ लाभ ले दुनिया की जिंदगी की कुछ आदा
मुरक्कबे इजाफी की वजह में लिखा के आ जाना या तो न दुनिया, दुनिया की जिंदगी, दुनिया की हमारी जिंदगी, ज्यादा ना नहीं जमीर आई है ना बिश्कार बड़ा शनी है या तो न दुनिया मुजाफ ना लगनी है या तो ना हमारी जिंदगी दुनिया की मुजाफ मुजाफ ले वजह ना एक ही आ गया और उन्होंने आख्या कि नहीं है मगर यही है साड़ी दुनिया नहीं जिंदगी साड़ी जिंदगी कितनी है एक ही जिंदगी है अल्लाह कितनिया दसियां जिंदगियां दो मौतां कितनिया दसियां दो एक मौत पहले साढ़े यानी कि पैदा होना तो पहले एक कैफियत है सूरह बकरा ने अंदर आया कई फतक फरून बिल्लाही वकुंतुम अमवातन फअहयाकुम फिर अल्लाह ताला तुसां की जिंदा किया पहले तुसां अमवातन से यानी जल एक बंदा पैदा नहीं होया होना तो मतलब मौत नहीं कैफियत चाहिए फअहयाकुम फिर अल्लाह दुनिया की जिंदगी देना सुम्मा युमीतुकुम फिर अल्लाह ताला तुसां की मौत देना फिर वो मौत अशली दुनिया बंदा मरना सुम्मा युहयीकुम फिर उस तो बाद अल्लाह जिंदा करना दूसरी जिंदगी देना अगे सुम्मा इलैही तुरजाऊन फिर अल्लाह के पास पलटाया जा सकता दूसरी जिंदगी मरने तो बाद जड़े आदमी की अल्लाह ठालना मैं साफ किताब वस्ती हाँ उस जिंदगी ने क्या करने पे इनकार कर रहे दुनिया तो बाद एक जिंदगी है ना जी बरदख की जिंदगी है आखरत की जिंदगी है वो आने पे कि नहीं है मां सवाए बस यही जिंदगी है दुनिया की जड़ा कुरान कह रहा है या हज़रत सल्लम कह रहे तो एक और जिंदगी भी है तो उस जिंदगी नहीं है वा माँ इन तू बाद का आया सी ना मतलब इसका पर इन ना मतलब नहीं किसा कड़िया इला नहीं बचा था इन तू बाद क्या आ गया तो मतलब क्या बन गया इन ना नहीं अगे आ गया माँ वा माँ और नहीं माँ नाफिया नहीं एक उठू आया जी नहीं अगे बे आ गया क्या बे इसमें मैं तके बे मबू इस बबू सी मबू सी तू पहले बाल आ गया ना उसकी वजह से इसमें मानी क्या हो गया नहीं वामा और नहीं नहनो नहनो क्या मतलब है हम ए फाइल जमीरा ना यानी कि जमीरा जड़ी फाइल हुआ हिया अंता अंती अना नहनो अना मतलब क्या होना मैं नहनु ना मतलब हम अंता ना मतलब तू अंती ना मतलब तू औरत हाँ जी हिया ना मतलब वो मुअन्नस हुआ ना मतलब वो मुज़क्कर वमा नहनु और हम नहीं हैं वा माँ ने नफी अदा जड़ा मबऊस या नून ईना क्या मतलब है जमाना ऐना वैद है ऐनी वैद है ऐनी दो ऐनी वैद क्या मतलब है आनी ऐनी दो मतलब ईना ऊना जमा ठीक है मबूस का क्या मतलब होना है बास कहने ना कबरा जो उठाना भी सुते अभी ठालना भी मतलब है किस बंदे की सुते की ठाल देता उसका मतलब भी यही बस आपे का मोए समझा सुते उन्होंने की अल्लाह ताला जो ठालिया तो अल्लाह आख्या कि असा उन्होंने की बा असा ना असा उन्होंने की उठाया सुते अभी ठाल के
इसा तरह मम बास अल्लाह में मरका देना कुरान कहना कि जल क्यामत में जड़ा वो अक्सर साढ़े साड़िया कबर जो कड़े जने ठाल के ना वो सब जो सुते खाब तकने सब या मोए की मोए की ठालना यानी कि उठाना मोए की ठालना या सुते की ठालना उन्हें आख्या मा नहनु बिमबऊसुन मबऊसीना उठाए जाने वाला मबूस का क्या मतलब है उठाए जाने वाला जिसकी ठालिया के चाह उसकी क्या आने ना मबूस मफूल ने वजन पर है ना है बेमबूसीन मा नहनु बेमबूसीन और नहीं है हम उठाए जाने वाले जड़े आड़े हो कि मरने तो बाद बंदा उठ फल सी ऐसी कोई गल नहीं जिंदगी जी बस नहीं है दुनिया की जिंदगी ये गल कितने तरीक आक सकने सब ये गल कितने तरीक आखी जा सकनी है जी ये जुमला दो तरीक एक जुबान नाल और दूसरा अमल नाल मसलन तुसा किसी बंदे की जिंदगी नजर बहो उसकी जिंदगी आखिरत ना सही कोई ना आवे तो उसका क्या मतलब है कि उसकी जिंदगी में क्या जाहिर होना पाया कि उसका ख्याल क्या है कि दुनिया मरने तो बाद असा उठना आम तौर पर लोग आख भी छोड़ने लोगों की तू जिस तरह लगा जिस थोड़े कि मरने तो बाद उठना नहीं किस क्यों आखने उसकी उन्हें अर्गत एक गल दसनी होनी लिहाजा उन्होंने एक अकीदा जरा जी बोल बलाक है साढ़े जो अगर कोई बोल बुला के गल आखे तो क्या हो गया आखिरत में इनकारी हो जाए ना आखिरत ने कुफर कर छोड़ आखिर आखिरत है ही कौन लेकिन अमलन असा ना तरीकाकार भी दुनिया ना असा भी समझने मुड़ के सही ठाला मुक्का नेड़ा के अल्लाह वालो और लो अगर वह अपनी आज तक दो त्रे लफ्स आ गए तरह का मतलब क्या देखते ते का मतलब क्या तुम अलामत कैसनी है मुजारे दी मुजारे जड़ा वै ये फेल माजी है कि आल मुस्तकबिल है आल मुस्तकबिल लिहाजा रे हमजा ये देखना वलौ तरा तुम देखते हो तरा वलौ तरा और अगर तुम देखो काश के तुम देखो इस जब वो किफू मतलब होना है रुकना खड़ा होना है ठहरना और वो के फा फो इला ने मदन पर मजूल ना कायदा है वो रोका गया वो के फू वो रोके जमा सीखा हो गया ना रोका गया कि जमा करो तो क्या उसी वो रोके गए वो अलौ तरा इन वुकिफू और अगर तुसा तको जिस लै वो रोके जा सन जब वो रोके जाएंगे अला रब्बिहिम सॉरी हाँ ये वाह अल्लाह की वजह अल्लाह इसे तो पेश पाएगी ना वो किफू वो किफा वाह इतना सीखा सी ना जिस तरह काला लामा पर क्या है जबर है काला तो जैसे लगे वाह अल्लाह लगा तो उस वाह की वजह ना काफ में लामा पर क्या आगे काला ने तो पेश कालू जबर की साइड पेश आ
वलऊ तरा इस वकीफू, और काश के आप देखो कि जब वो रोके जाएंगे, अगर तुस तको कि जो उन्हें रोकया जासी अला अला का मतलब क्या है सामने रब्बी हिम हिम का मतलब उनके उनके रब के सामने वाला उतरा वकीफू अला रब्बिहिम, और अगर तुसा तको जिसल उन्होंने रोकया गया सी उन्होंने रब के सामने, इस तू पहले कितना रोकया वाला उतरा वकीफू अला नार जिसल उन्होंने अग्नि तो रोकया गया सी जा उन्होंने की अल्लाह के सामने भी जाकर रोक के गया सी रुक जाओ। काला अल्लाह ताला कैसी उसने कहा कुछ ऐसे लगेगा ना लिहाजा कहेगा कहेगा अल्लाह ताला आना मतलब क्या होना क्या एक केड़ा सवाल होना मैं लीडिंग क्वेश्चन ऐसा सवाल जिसना जवाब आ या ना जिसना ये वो सवाल है लिहाजा शुरू कुछ हो सही है आ या हल तो शुरू होने के सवाल का जवाब क्या सी या जी या नहीं दो आज एक गल आ क्या लैसा नहीं है अलैसा क्या नहीं है हाजा आधा इसम इशारा किसी चीज़ अंदर उस दिन वाले पास अल्लाह ताला इशारा किस जन्म वाले पास इशारा किया जा रहा है किसी चीज़ वाले पास है आधा ये बिल हक बार क्या मतलब है साथ हक का मतलब हकीकत अल्लाह अक्षी अलैसा हाज़ा बिल हक क्या जो कोई तकड़े हो पे ये हक नहीं ये गल तुसा की बगैर तक्यों अल्लाह ने रसूल सल्लम दसी सी तो तुसा मन्ना तू इनकार या जा अपनी आँखों नाल तक दे अलहा कम तकास हो अलहा लहवन किसी चीज़ के अंदर मशगूल हो गया बंदा अगर पिछले चीज़ें भूल गए छे लाहौर किसी चीज़ के अंदर है किसी ऐसे कम बंदा पैना कि जिस कम पै के दाएं बाएं इन गलों तू उसको होश नहीं होना उस कम में लगा होना इतना मशगूल और इतना डुब जाना उस कम के अंदर अलहाकुम तकासुर तुसा इस हद तक कसरत ने पिछे पै के उन्हें भैया ने और माल और दौलत और पैसा ये तुसें बाकी चीज़ा भुल गई अगर पिछले कोई और भी कोई चीज़ सही सी हद्दा इतने तक जोर तो मुल मकाबिर के तुसा कबरा की ज्यारत जा की जोर तुम जोर ज्यारत करना तुमने यानी तुसा जा कबरा पहुँचे उ दौलत कट्ठी करने चक्कर सो अल्लाह रसूल आखरत ये उसका कोई भुल गए जा कि पहुँचे हो हद्दा जोर तुम मुल मकाबिर अगर क्या कल्ला सयाल कल्ला हरगिज नहीं सा जल्दी यालमूना सतालमूना तुम जान जाओगे सयालमूना वो जान जाएंगे जेड़े ये चीज़ा बोल गए सुम कल्ला सयालमून फिर हरगिज नहीं तुम्हारा अकीदे नफी की ने कल्ला का मतलब किसी चीज़ा ने इनकार करना सख्त तरीन सयाला मुंह जो कल्ला लौता लमूना काश के तुसा जान जाओ किस तरह जान जाओ इल्मल यकीन इल्म यकीन ना पहला दर्जा क्या इल्मल यकीन यानी को गल बंदे तक पहुंची है जाने बंदा दूसरा कड़ा यकीन बयान होया था
ऐनल यकीन तरौनहा तुसा यानी अपनी अखां नाल तकसो ते तुसा की ऐनल यकीन हासिल हो जासी अखां वाला। कई बंदे नूं कि बाणे रहो ये गल नहीं मन्ने जिहड़ा तक लैन राणे दा गल बिल्कुल वाजे हो गई हुण तां अपनी अखां नाल तक दस काला अलैस हाज़ा बिल हक ए हकल यकीन है कि नहीं हकल यकीन आ गए एनल यकीन आ गया इलमल यकीन तुसा की नहीं सी आया जल अल्लाह के रसूल की खाली गल सी आला उ तुसा इम्तहान सी कि तुसा बगैर तक्यो सुनियो अल्लाह के रसूल नहीं मन्ने हो के ना मन्ने तो जे तुसा अपनी अखा नूं तक ही मन्ना सी ते रसूल सल्लम की भेज देने की जरूरत खत्म ही होगी काला अलैस हाज़ा बिल हक अल्लाह ताला कैसी कालो अगू जवाब होते सन कालो उन्होंने कहा वो जवाबन कहेंगे अल्लाह ताला सवाल करती ना अलैसा हाज़ा बिल हक है और इसका जवाब या हाँ जशना सी या ना जशना सी कालो ना क्या बला क्यों नहीं जी कह बिल्कुल यकीन भला क्यों नहीं यकीनन भला सिर्फ उन्हें ये नहीं आख्या उन्होंने आख्या वाह रब्बी वाह तो बाद जल इस मछिया और उसने आखिर जेर है तो उसने क्या मतलब बोला है हाँ जी कसम कसम वल लैली रात की कसम वल नहारी दिन की कसम वल फजरी सुबह की कसम व शमसी सूरज की कसम वल कमरी चांदनी कसम व रब्बी रबनी कसम है केड़ा रब ना हमारा और फटा ना लाग है ना अल्लाह नाल मेरे आई थोड़ी जी यारी जी बनाने की कोशिश कर रहे हैं अरे बला क्यों नहीं वह रब ना साढ़े रब की कसम है ये गल सच ये हकीकत है जी अस अपनी अखा में तक की ये ही हकीकत है काला अल्लाह ताला फिर अगुआ सी हूँ मन गए ना लेकिन मन का टाइम जरा खत्म इम्तहान खत्म हो गया ना और बंदे की कदे कदे आज़म ने 14 नकाब 3 घंटे बाद याद अच्छा जिले पर जा था चाह के ना तो रजिस्टर तो रजिस्टर भर छोड़ा पीछे कदे आज़म की 14 नकाब था कितने नंबर मिल सन एक भी नहीं मिला लिखना कैसे सी सर उस पर्चे बाद जा के आखिर जी जबानी सुन के आज सुनो मेरे को तके मैं सुन की कदे आज़म तो कदे आज़म नाल लामक पालिंग नकाब सुना जवाबे शिकवा शिकवा सुनाने अच्छा था और टाइम गुजर गया काला अल्लाह ताला कैसी अगू काला वो कहेगा फजूकू बस जा का ना क्या मतलब होना उसने चखा जुक आखने ना तू चख एक बंदे की प्याने ना जुक जिसने विचों जिस अंदाज जे बना ना कुल कुल क्या मतलब है तुम एक कहो तुम एक कहो जल आने ज्यादा आखो से क्या बन गए ना कूलू ये वाओ अलफ लाने ना कह तो पिछे हथे बच काफ तू बाद वाओ लाने एक कायदा जुक तू चख एक बंदे की प्याने तू चख वाओ अलफ लाया गया तो हथे पिछे वाओ बड़े सी जूकू तुम सब चखो फजूकू बस नतीजा तन यानी इसका रिजल्ट क्या है काला बस जा का यानी माजी नसीगा तुम चखो जा का यजूकू जूकू तुम सब चखो किस चीज़ चखो आ
वल अजाबा। इस चखड़े का मफूल कौन है, किस चीज़ की चखड़ा है? जबर आ गया इस नबर, यह हालत है मफूली है, नसब की हालत है मफूली। जा का जूकु फजूकुल अजाबा, अल्लाह ताला अक्सी पस चखो आज इस अजाब की। अल्लाह ऐसा क्या मतलब है? जन्नम ना अजाब, वैसे अजाब ना मानी सजा भी होना, आम सजा नहीं बल्कि केड़ी सजा चखो, जन्नम नहीं खास सजा चखो। बाद भी बेसबब माँ जो कुछ कुंतुम तुम रहे हो। कुंतुम क्या है? इस्तमरारी है, केड़ी चीज जेड़ी बंदे नहीं जिंदगी होनी रवे, बंदा करना रवे। एक है ओ जाना, एक है उसकी पार्ट ऑफ लाइफ, रूटीन में अंदर लैश में उस चीज़ की यूज टू हो गए। एक बंदा काम करना रहना है। कौन तुम रहे हो, करते रहे हो, क्या करते रहे हो जी? तक फुरून कैसी अलामत है जी? जमा दी भी अलामत है और फाइल होने की अलामत भी है। और नून का मतलब है बंदे काम करने पे, और ये नून का मतलब है इन्होंने बारिश कम होना पे। ठीक है जी, जैसा मबूसीन आया सी, उन्होंने बारिश क्या कम पे आना, उन्हें की उठाया जा रहा है, उठाने वाला कोई और है। इतना बहुत नून है फाइल खुद कम करने वाले, तक फुरू ना इतना कुफर करने वाले कौन ना? खुद ते ना क्या मतलब है? तुम। और ए ते अलामत कैसी है? गुजारे नहीं, यानी आल ले अंदर कम होना पे। पीछे क्या बच गया? कुफर बच गया पीछे। तुम कुफर करते रहे हो, और दुनिया पे कर दो, या तुम कुफर करते आखिर जिसलिए अक्सर तो क्या हो गया सी, कान आ गया ना, माजी चला गया, तुम कुफर करते रहे थे। काला अल्लाह अक्सी फजूकु पस चखो अल अजाब जहन्नम ने अजाब की बेमा के सबब उसने कौन तुम करते रहे थे तक फुरूना कुफर, जेड़ा कैसे ना कुफर करते रहे जी, इस अजाब ना कुफर करने रहे, इस अजाब ना कुफर किसा करने रहे ना? हजूर सल्लम ने हदीस है जल्द बंदा झूठ बोलना तो एक मील नस गना उसने को फरिश्ता उसकी बोई नहीं बजा। जल्द एक बंदा झूठ बोलना जेडे फरिश्ते है ना उन्हें को लगे पिछे कि अजीब होश नहीं उस बंदे को झूठ तो बाद के फरिश्ते एक मील दूर नस गए उससे। झूठ बोलने के बाद उसके आने की करनी है जी 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 हदीस आ गई है जी। अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया हमारा नहीं अन अकूला बिल हक़ व इन काना
मुर्रन मुर्रन अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया हमारा उसने हुक्म दिया नी मुझको किस हुक्म देता जी अल्लाह ताला उमेरा भी हो सकता उमेरा का क्या मतलब है हुक्म दिया गया मजूर भी हो सकना मुझे हुक्म दिया गया है नी हुक्म दिया गया है नी मुझे उमेरा नी हुक्म दिया गया है मुझे ठीक है जी अकूला काला यकूलू का क्या मतलब है वो कहता है तकूलू का क्या मतलब है तुम क्या तकूलू का क्या मतलब है तुम कहते हो नकूलू का क्या मतलब है हम कहते हैं अकूलू का क्या मतलब है मैं कहता हूँ तो अकूलू का क्या मतलब है मैं कहता हूँ और अन्य वजह ना अकूलू ना ला ला क्या अकूला के मैं कहूँ कि मैं बात करूँ हमारा नहीं मुझे उसने हुक्म दिया है अल्लाह ने अन के अकूला मैं बात करूँ बिल हक वा साथ हक सच्ची हकीकत गल सच्ची करा गल हकीकत पर करा वा और इन अगरचे इतने हम इन मतलब अगर नहीं बजाए अगरचे आ गया अगरचे का ना वो मुर्रुन मुर आपने कड़वी चीज है कौड़ी जिसकी मुंह में बंदा बात आख थुक है कौड़ी चीज मुंह में बाह कर बंदे की शक्ल की है बन गई कहते कौड़ी शायद खाने का दिल आया हर कौड़ी चीज ने अंदर शिफा है ना सिवाए जहर और हर मिठी चीज में अंदर बीमारी है मां सिवाय शायद माखी अल्लाह माखी शिफा रखी है बाकी जहाँ जड़े की मिठा खाने ठड़क होना ना वो कदे ना कदे बीमार ही होना तो जहाँ जड़े कौड़िया चीजा खाने ठड़क होना ना या ठड़कना भी हो खाने रहने उस तकसो के उस मिठे ने ज्यादा सेहतमंद रहे से। क्योंकि कौड़ी चीज अंदर जाके बीमारियां भी खत्म कर इस हद ना उन्हें क्या कि मैं गलत हक नहीं कर सकता इतने हक कह वह कुरान व हदीस हक कह वह कुरान व हदीस ही हक है वह इनका ना मुर्रू और चाहे होया वो कितनी ही गल कड़वी किसी की लगनी है तो लगे लेकिन दूसरिया हदीसा तो क्या पता लगना हिकमत नाल गल पाड़ी अपनी जेब असी दसी नहीं सी तो नजाशी जिसल उन्हें शिकायत लाई उन्हें आखिया जी तो हजरत से अल्लाह का बेटा ही तू मने तो साबा आपस में मशवरा किया उन्हें आखिया हम असा अपनी गल ना पाड़ी हूँ कुरान पेश अल्लाह जाने अल्लाह का कलाम जाने का नजाशी जाने असा हो सकना जरा अपनी गल बात कोई थोड़ी जी उच्ची हो जाए थोड़ी जी नीवी हो जाए कुरान तो उच्ची नवा है नहीं मतलब बिल्कुल सौ बड़ा सौ नपया तुलिया हक है जल्द उन्हें सूरह मरियम पढ़ी
उस तो बाद क्या होया जी, नजाशी रोन लग गया सुन कर अखी अथरू जारी हो गए, थरे तीला चाक उस आख्या उस आख्या जो कुछ इस कलाम ने अंदर हजरत ईसा ने बारे लिखे आ हजरत ईसा इस तिनका बार भी उस तो ज्यादा नहीं। और कहने इस हक की पहचान के हक बोलने की वजह अल्लाह ताला नजाशी की कलमा पढ़ने की तौफीक अता। और नजाशी ने केड़ी केड़ी सब तो बड़िया दो खूबियां और क्या जी नजाशी ने, एक तो इस्लाम कबूल करके था और दो खूबियां केड़िया नहीं नहीं और चलो हो गई साहबानी खत्म की उस वजह का क्या होया कि जो नजाशी फोत होए तो जनाला किस पढ़ाया उन्होंने गायबाना नमाजे जनाला हजूर से सलम उस हक की बरकत ना। और दूसरी चीज हजूर सलम ने निकाह किस पढ़ाया हजरत उम्मे हबीबा रजी अल्लाह ताला ने नजाशी को हजूर सलम की तरफों जैसे एक वकील होना बंदे तरफों प्यो उन्होंने तरफों आना जी तो यह हक कोई है अमारा नहीं अन अकूल अगर हक इनका ना मुल अब्बा सुना किसान मौलवी साहब ने बारे कि उसे आने की नमाज पढ़न चले गए पर असी नहीं दाई में जी अस सत्तर नहीं कर गए उस आने नमाज पढ़न गए बंदे इतने नहीं सी जल्द पता किया उन्हें जी मौलवी साहब हक बयान करने भावें सुनने वाला फूड़ ही फूड़ उसे फूड़ होने उन्होंने दरिया शरिया आ गए ना अगर भावें सुनन फूड़ ही हक ही करना उन्होंने बयान अल्लाह ताला ने नबी सल्लम इकमत तो बगैर गल करने तू मने कीता जहन की सतह तू उस लैवल नहीं गल पानी वो बंदा एक आया माड़े की आखन ला जी के इमाम इब्ने हजर असकलानी ने जड़ी है ना इमाम बुखारी ने शरह की सही बुखारी ने कहना जी बाकी कमाल के जड़िया सिफाते इलाही चाक उन्हें थोड़िया बहुत कीतियां मैं आख्या मेरे भाई ये सड़ बहुत प्रेरित कर रहे सिफात इलाही है ओए इमाम इब्ने हजर असकलानी का इलम केड़ी जाइए करे मैं बुनू खा मैं पैना है गलती है क्या गलती है याद में उन्होंने लैवल ला जल्द मैं उन्होंने लैवल ला ना मैं उस इलम ने लैवल ला ना फिर मैं उन्होंने गलमाड़ा की हथ पा तो दूसरी गल है भाई मेरे को अल्लाह ताला ने सवाल नहीं करना माड़े जेड़े मुतलक जेड़े पक्के पक्के जो सवाल ना वो सादे तरीन सवाल मन रबू का है जी मन नबी का मा दीन का क्या मजा लड़ा लग सी आम जिंदगी कितने गुजारी है जवानी कितने कटी है पैसा कितों कमाया है पैसा लाया कुछ है जोड़ा थोड़े इलम जब मिलया सी उन्हें तो अमल कितना किया है अगे भी मैं दस रहा अल्लाह ताला अल्लाह नबी दो चीज़ा साढ़े छोड़ गए कुरान सुन्नत तारीख भी छोड़ी ने तारीख की किताबों पढ़ो फलान भी पढ़ो ये पढ़ो वो पढ़ो कुरान सुन्नत रिलेटेड जो चीज़ा ना क्या हदीस है शरा हदीस दियाँ फिका वै आयमा ना गुला मार इन्हों गल चलिया लिहाजा अच्छा हूँ खत्म हो गया तो हम असं इसकी पढ़ लेना वकालू कालू लंबा करना क्यों पेश तो बाद वाह आकर मत असली बन गया और अगर फिर आ गया अरकता अलग यानी हमला आ गया वकालू इन हिया नून किसू कटना जी मुँह जो कटना है क्यों अगर अलगी आ गया हे इन हिया इल्ला हयातुना दुनिया नक्का जो आवाज कटते हैं दम है उसने ये एक्सेप्शन है एक्सेप्शन क्या होनी है इस तस्ना यानी इसने तो वह कुलिया ऐसा दुनिया की दुनिया ना पढ़ लगे दुनिया ना पढ़ा लगे अगर हल्की तो नहीं उन्हें बावजूद असा इसकी नून की मुँह जो कट सा हयातुना दुनिया वामा बेमबऊसीन मब बा जड़ा एक कलकले ना बेमब बेमबऊसीन वलौ तरा इज़ वुकिफू
बा कितनी है इसने च दो, पहली बा खामोश होनी है इस वजह नाल कुछ उसने अंदर एक कल कले ना भी आ गए ना रब्बिहिम रब्बिहिम काला काला अलैसा अलैसा हादा हादा बिल हक बिल हक रुक सो अगर तो फिर काफ ना कल कला कर सो बिल हक बिल हक कालू कालू बला बला व रब्बिना व रब्बिना काला काला फ़ज़ूकुल अज़ाबा फ़ज़ूकुल अज़ाबा काफ मोटा फ़ज़ूकुल अज़ाबा फ़ज़ूकुल अज़ाबा बिमा बिमा कुंतुम कुंतुम तकफुरून तकफुरून सदकल्लाहु अज़ीम। अच्छा एक मैं लफ्ज़ रह गया तकफुरून ना के क्योंकि मानी बदल जाता फू मुंह उतू ही तुम करो तक फू लेकिन ओंठ गोल नहीं करने क्यों नहीं करने ओंठ गोल ये फे बजाते खुद एक ओंठा जो निकलने लगा है ओंठ बिल्कुल गोल कर सकते तो कैसे ना मखरज है ओंठ गोल वाओ ठीक है तक फुरून फुरून तक फुरून सदकल्लाहु अज़ीम। اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وارزقنا بفضلك عن سواك اللهم اجعلنا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين